डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं 10th क्लास के मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं। 10th क्लास के मैथ्स को, जैसा कि जानते हैं हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी के बुक से पहला और दूसरे क्वेश्चंस को पूरी तरीके से डिस्कस किया। एक्सरसाइज 5.3 आपको पता होना चाहिए कि पहला का जो क्वेश्चंस है हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम्पल में किया था और वही टाइप का हम लोगों का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में भी दिया है, तो हम इन क्वेश्चंस को खुद से कर सकते हैं और बहुत लोग किए भी हैं तो उनको तहे दिल से धन्यवाद, और दूसरा भी बना लिए हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन से करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग जो ऐसा लगेगा कि जो क्वेश्चंस फास्ट है या फास्ट है नहीं बनने वाला है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि टोटल 3 में 10 सवाल है, तो 10 सवाल में जो इवन पैलेस पे है, इवन मतलब सम संख्या के पैलेस पे जो जो नंबर है सिर्फ उसी को डिस्कस करते हैं। इट मीन्स दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और दसवां, यानी कि तीसरा में टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें हम 5 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे और आप इन 5 क्वेश्चन को देखकर आप उन चीजों को सीखिए और फिर बाकी का जो 5 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं आप उनको बनाइए। तो तीसरा का चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि कैसे होगा। इसमें बोल रहा है कि ए का वैल्यू 7 दिया है, ए 13 का वैल्यू दिया है 35, ठीक है, तो डी का मान निकालना है, डी का मान निकालना है और एस 13 का मान निकालना है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल बोला कि आपको ना दो चीजें दी गई है, ए 7 और ए 13, डी का मान निकालना है और एस 13 का मान निकालना है। आपको हम बताए हैं चूंकि ए 13 का मान 35 है, ए 13 का मान 35 है, तो इसका मतलब हुआ कि 13वें पद, इसका मतलब क्या हुआ, 13वें पद का वैल्यू कितना दिया 35, और 13वें पद का मतलब हुआ a प्लस 12d का वैल्यू कितना दे दिया 35 और a का वैल्यू कितना दे दिया 7, तो यहां a के जगह पे हम वैल्यू कितना रख देंगे 7 और प्लस में 12d इज इक्वल टू में 35। तो ऐसा करके आप क्या निकाल लीजिए, तो आप d का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 7 उधर जाएगा, तो 35 में से 7 गया 28 और 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी यहां से चल के आपको d का मान निकालना है और d का मान निकाल लिए तो हम लोगों का ये पता चल जाएगा, समझ में आ रहा है, यानी कि d पता चल जाएगा। अब आप सोचो भाई कि s 13 निकालना है, तो यहां से चलो हम निकाल ही देते हैं d का मान, तो यहां से हो गया 12d बराबर 35 माइनस 7, तो इसलिए d का मान कितना हुआ, तो 28 बटा में 12, 35 में से 7 गया 28 और 12 से भाग कर देंगे, इसको 14 बटा 6 बोल सकते हैं या 7 बटा 3 बोल सकते हैं, तो d का मान कितना आया, काट काट के 7 बटा 3। अब चूंकि आप सोचिए d का तो मान आ गया 7 बटा में 3, लेकिन s 13 का मान कैसे, तो s 13 का मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू 13, आप s 13 को देखिए, s 13 को तो क्या पता चल रहा है कि s के नीचे n होता है ना, sn, तो यहां दे दिया s 13, इसलिए n का वैल्यू कितना दे दिया 13, तो जब n का वैल्यू पता है 13, a का वैल्यू 7, n का वैल्यू तो 13, a का वैल्यू 7, d का वैल्यू दे दिया कितना 7 बटा 3, इसलिए आप अब एस 13 का मान निकाल लीजिए, एस 13 का फॉर्मूला एन बाई टू, तो एन के जगह पे 13, देख पा रहे होंगे ना एस एन लिखते हैं, यहां एस 13 दिया है तो एन के जगह पे कितना 13, तो एस 13 बराबर 13 बटा 2 2a, तो a का वैल्यू 7, तो 2a प्लस
एन माइनस वन, तो एन के जगह पे तेरह, तेरह माइनस वन इंटू में डी, तो डी का वैल्यू सात बटा तीन। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तो डी का वैल्यू आ गया, फिर से हम लोग चलते हैं आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हमें क्या क्या मिल रहा है, तो जरा यहां पे देखिए, तेरह बटा दो टू इंटू सेवन कितना चौदह, प्लस तेरह में से एक गया बारह, गुणे सात बटा में तीन, तीन चौका बारह, तो टोटल मिला के कितना हुआ, तेरह बटा दो चौदह प्लस सच्चो अट्ठाईस, यानी कि तेरह बटा दो गुना चौदह और अट्ठाईस को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, आठ चार बारह के दो, हाथ में एक और बयालीस, इसको जोड़ने से, और इसको कट कर लेंगे कितना हो जाएगा इक्कीस, और इक्कीस को तेरह से गुना कर लीजिए तो यहां हो जाएगा कितना तिरसठ इक्कीस दो सौ तिहत्तर। यानी कि इसके मैं दो सवाल पूछ रहा था, एक डी का मान और एक एस तेरह का मान, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि डी का वैल्यू टोटली कितना आ रहा है, तो डी का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हम लोगों का सात बटा तीन, और एस तेरह का वैल्यू आ रहा है दो सौ तिहत्तर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि जो जो चीजें दी गई रहेंगी आपको उसके बारे में सोचना है कि आखिर कैसे हम उसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये था तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, आइए हम लोग अगले इवन नंबर पे आते हैं, दो के बाद चार नंबर पे, और फिर उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि आखिर उसका सॉल्यूशन कैसे किया जा रहा है। तो चार नंबर में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, चार नंबर में क्वेश्चन, ए थ्री का वैल्यू पंद्रह दे दिया, देखिए ए तीन का वैल्यू पंद्रह दिया है कोई बात नहीं, एस टेन का वैल्यू 125 दे दिया 125, तो डी डी का मान निकालना है और ए टेन का मान निकालना है। जरा बात समझिए कि यहां पे सवाल क्या बोल रहा है, यहां पे डी का वैल्यू निकालना है और ए टेन का मान निकालना है। सबसे पहला बात कि चूंकि ए थ्री का मान दिया है पंद्रह, ए तीन का मान दिया है पंद्रह, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि तीसरा पद ना, क्योंकि तीन है तो तीसरा पद बराबर कितना पंद्रह, और तीसरा पद का मतलब क्या हुआ, एक कम कर दो आप तो यहां हो गया ए प्लस टू डी का वैल्यू कितना पंद्रह। अब इसको मान लेना है आपको समीकरण नंबर एक, इसको कितना मानना है समीकरण नंबर एक। फिर आगे बढ़ते हैं तो एस टेन, चूंकि एस टेन का वैल्यू दे दिया 125, ठीक है, जब एस टेन का वैल्यू 125 दिया तो यहां एन का वैल्यू, एस एन का फॉर्मूला याद है ना, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एस टेन है तो एस टेन का मतलब एस एन का मतलब एन बाई टू, तो एन के जगह पे यहां पे कितना बोल रहा है दस, तो इसके जगह पे फार्मूला निकालेंगे दस बटा दो, दस बटा दो ब्रैकेट टू ए, टू ए का मतलब दो गुना ए, ए का मतलब कितना नहीं दिया है, ए का तो सवाल कहीं नहीं है तो टू ए का टू ए छोड़ दीजिए, प्लस प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन का मतलब एन के जगह तो दस, तो दस माइनस वन इंटू में डी, तो डी भी कहीं नहीं है तो डी का डी छोड़ दीजिए, बराबर में 125। अब देखिए दो से कितनी बार में कटेगा, दस बार, पांच बार में, तो यहां हो जाएगा पांच ब्रैकेट में टू ए प्लस दस में से एक गया नौ डी, बराबर में कितना 125, ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से आप क्या कर लो कि ये पांच है ना, तो पांच इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा, इसलिए आप करो क्या यहां पे
कि ये जो गुना में पांच है ना, इसको भागा में कर दीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2a प्लस 90 बराबर 125 बटा में पांच। कितनी बार में कटेगा ये? 25 बार में। तो यहां पे बनेगा 2a प्लस 90 बराबर 25। ठीक है, ये समीकरण नंबर एक है और ये समीकरण नंबर दो है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे समीकरण एक और समीकरण दो को देखिए, दोनों समीकरण को ठीक ढंग से देखिए तो आपको चीजें पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा देखिए, तो यहां पे समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से क्या पता चल रहा है? समीकरण एक क्या है, तो a प्लस 2d बराबर 15, और दूसरा समीकरण क्या है, तो 2a प्लस 9d बराबर 25। अब क्या करना है हम लोगों को, तो सबसे पहले ये समीकरण एक में दो से गुना कर दीजिए, तो दो से गुना कर देंगे तो एक नया समीकरण क्या बन जाएगा। इसको मैं सिर्फ दो से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि दो से अगर गुना करेंगे तो ये भी 2a है, ये भी 2 बन जाएगा, इसीलिए पहला समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटू 2 कर रहे हैं, इसको दो से गुना कर रहे हैं, तो दो से गुना कर रहे हैं तो यहां होगा a को 2 से गुना किया 2a, 2 को 2 से गुना किया 4d बराबर 15 को 2 से गुना किया 30, और इसको तो किसी से गुना नहीं किया, इसको वैसे ही रख देंगे बराबर 25। सबको माइनस 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 कर देंगे तो 2a से 2a कट जाएगा, 4 में से 9 गया तो कितना बचेगा, माइनस में 5d, और 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 5। इसीलिए d का जो वैल्यू यहां से आ गया, जब आप 5 से 5 कटेगा तो 1 और ये माइनस है, तो d का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो यहां हमें d का वैल्यू भी निकालना था जो कि निकल गया, एक आंसर तो आ गया d का वैल्यू से। उसके बाद आपको काम करना है, फिर से समीकरण एक से चलना है। तो समीकरण एक हम लोग किसको माने थे, तो समीकरण एक जो हम लोग माने थे वो a प्लस 2d बराबर 15 था। अब d के मान कितना आया है, तो d का वैल्यू आया है -1। तो d का जब -1 वैल्यू आया है तो आप d के जगह पे -1 रखिए, तो a प्लस 2 गुना -1 बराबर 15। तो 2 को -1 से गुना करेंगे -2, और इसलिए a का जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस में 2 उधर जाएगा, तो 15 प्लस 2 मतलब कि 17। तो भाई मेरे, अब आप बोल रहे होंगे कि सर a का क्या मतलब था, हमें तो सवाल पूछ रहा था d का, और डी हम लोग पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों समीकरण से चलते चलते हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यानी कि डी का वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, तो ए कैसे निकालेंगे और ए का क्या मतलब है भाई, तो ए का मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी निकाले हम लोग क्यों, क्योंकि ए 10 का वैल्यू पूछ रहा था। अब आप क्या करेंगे, अब a 10 का मान निकालना है, इसका मतलब कि दसवें पद निकालना है, और दसवें पद का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक कम ना, जब भी जयवा पद बोलेगा उससे एक कम हो जाना है, तो दसवें पद बोल रहा है तो इसको लिखेंगे a प्लस 90, और a का जगह पे हम लोगों को आया 17 प्लस 9 गुने डी का वैल्यू -1, तो कुल मिलाकर 17 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 8। तो कुल मिलाकर हम लोगों को जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8। तो इस तरीके से जो दूसरा का हम लोग सॉरी ये तीसरा का जो चौथा का आंसर मिल रहा है वो हम लोगों को आंसर तीसरा का चौथा कितना मिला, तो ए डी का वैल्यू -1 और ए 10 का वैल्यू कितना, 8। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, अब रहा बात कि जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप समझो तीसरा में 10 क्वेश्चन है,
और 10 में से 5 हम खुद बना रहे हैं, हम खुद आपको 5 का सॉल्यूशन बोल रहे हैं, देने के लिए दे ही रहे हैं। तो और बाकी का जो 5 क्वेश्चन बना है उसमें तो आप दिमाग लगा ही सकते ना, अगर आपसे नहीं बना है तो। दैट इज जस्ट सिंपल। और हम 5 इसलिए दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को देकर आपको पता लग जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमें किस तरीके से बात को सोचना पड़ेगा, किस तरीके से रास्ता को अपनाना पड़ेगा कि हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा, कहीं भी मिलेगा तो हम लोग ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो चौथा के बाद डायरेक्ट अगला इवन नंबर सम संख्या आता है 6। तो 6 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरा का 6 नंबर। तो तीसरा के 6 नंबर क्या है जरा देखते हैं। तो तीसरा का जो 6 नंबर है, ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू, ए का वैल्यू 2 डी का वैल्यू 8 राइट, और उसके बाद का बात किया तो एस एन का वैल्यू 90 है। एस एन का वैल्यू कितना दिया 90। तो हमें किसका किसका मान पूछ रहा है 6 में, एन और ए एन ज्ञात कीजिए। एन का मान बोल रहा है और ए एन का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जरा बातों को समझिए, एन का वैल्यू पूछ रहा है और ए एन का वैल्यू ज्ञात करना है। ए का तो वैल्यू दिया है भाई, हमें कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डी का वैल्यू 8 है, सही है। एस एन का वैल्यू 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का वैल्यू दे दिया, डी का वैल्यू दे दिया, तो एस एन से चलो। अब चूंकि एस एन बराबर कितना दिया है सवाल में 90, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 90, ठीक है। देख पा रहे ना अच्छे से, बढ़िया। अब यहां पे तो n का वैल्यू नहीं दिया है, आप n का वैल्यू ऐसे छोड़ दो, n बाई टू, टू इंटू ए का मान दिया 2, तो 2 का 2 से गुना करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कितना 4, प्लस n का तो वैल्यू नहीं दिया, आप n का माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया 8, ब्रैकेट बंद 90। अब आप चीजों को देखिए तो हम लोग कैसा नजर आ रहे हैं, हम लोगों को एन बाई टू ब्रैकेट 4 प्लस 8 को n से गुना करेंगे 8n माइनस 8 ब्रैकेट 90, ठीक है। n बाई टू ब्रैकेट क्लोज, 4 में से अगर माइनस 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 4 प्लस 8n बराबर में कितना 90, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग बारी बारी से इसको मल्टीपल करेंगे, यानी कि टोटल कितना हो गया देखिए, तो n बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से, ठीक है, और प्लस 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 n बाई टू को 8n से मल्टीप्लाई करेंगे, 8n बराबर में कितना 90। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि अगर जो चीजें बाहर होती है उससे फिर इसको गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, वैसे ही दोनों से गुना करा लिया, तो ये 2 से कितनी बार में कट रहा है 2 बार में, तो यहां बन रहा है माइनस 2n, और 2 से कितना बार में कट रहा है 4 बार में, तो यहां बन रहा है 4 और n और l मिलके 4n स्क्वायर बराबर में कितना 90, ठीक है। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहां से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहां कितना बचा माइनस में n, और यहां पर बन गया प्लस 2n स्क्वायर बना, 2 कॉमन लिए तो, और यहां बन गया 90। अब इसलिए कॉमन लिए क्योंकि यहां पे गुना है ना, इसको भाग लगा सकते हैं, तो टोटल कितना मिला माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर बराबर 90/2, तो ये कितना बार में कटेगा 45 बार में, तो इसलिए अभी तक के हम लोगों को मिला माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n स्क्वायर बराबर 45, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं
कि जैसी सिचुएशन बन रही है यहां पे, ऐसा सिचुएशन, अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग को पता करेंगे कि कैसे हम इसको एन का वैल्यू निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिएगा अच्छे से। तो इसको जब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2n स्क्वायर को हम पहले लिख सकते हैं, माइनस में n हुआ और ये 45 उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 45 बराबर में जीरो। दोस्तों हम लोग ऐसा, सॉरी माइनस n है ना, यहां पे 9 लिखा गया, माइनस है। दोस्तों हम लोग द्विघात समीकरण को पढ़ा है, हमने द्विघात समीकरण को पढ़ा, वहां से हम लोगों ने a का वैल्यू देखा, b का और c का। अगर वो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और कांस्टेंट यानी बिना x वाला को c बोलते हैं। तो यहां से पता चल रहा है ना कि द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण को हम लोग दो तरीके से, तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, उसको गुणनखंड करके, ठीक है, या फिर उसको वो वर्ग ऐसा करके था ना, वर्ग निकालकर, वर्ग 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 वाला विधि, क्या था उसका नाम, थोड़ा सा भूल रहे हैं। यानी कि द्विघात समीकरण को हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा है कौन कौन सा मेथड से, तो एक गुणनखंड विधि द्वारा और एक वर्गमूल वाला शायद करने वाला ना, और एक था हम लोग द्विघात सूत्र द्वारा, ठीक है। तो अब हम लोग इतना चीजों को पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि इसको करने का, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि इसको कितना पे तोड़ेंगे कि माइनस एन आ जाए, ठीक है, कितना पे तोड़ेंगे, यानी कि गुणनखंड लगाएंगे तो यहां पे क्या गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, तो 45 को 2 से गुणा करेंगे 90, और 90 को 2 से तोड़ेंगे 45, 3 से तोड़ेंगे 15, 3 से तोड़ेंगे 5। तो यहां से दिख पा रहा होगा कि कैसे भी तोड़कर माइनस वन लाना है, तो 3 दुना 6 और 15 से नहीं आएगा, 5 दुना 10 9 90, हाँ बिल्कुल। तो यहां पे जो है ना हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, देख लो भाई कैसे तोड़ेंगे, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 2n स्क्वायर का 2n स्क्वायर लिखा, माइनस 10n प्लस 9n, 10 9 को गुना करने पे 90 भी आ जा रहा है और घटाने पे माइनस 1 भी आ रहा है, माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए तो इसमें इसमें क्या कॉमन है, तो 2n कॉमन है तो यहां हो जाएगा, यहां पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को एक समीकरण आ गया है। तो इस समीकरण को थोड़ा सा हमें नहीं मिटाते हैं क्योंकि हम लोग का इस समीकरण से कुछ अभी काम है, ठीक है, अभी कुछ काम है, इस समीकरण को हम लोग फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आगे जो है काम करना हम लोगों को कुछ इस तरीके से है, क्या है वो जरा देखिए। हम क्या बोले कि अब इसको इसके साथ बारी बारी से तीनों के साथ मल्टीपल करेंगे, क्योंकि गुणा करने का यही नियम है कि जो बाहर रहता है उसको बारी बारी से आप क्या करो, मल्टीपल करो। तो एन बाई टू को मल्टीपल किया टू वे से, फिर प्लस, फिर एन बाई टू को मल्टीपल किया टू एन से, फिर माइनस, एन बाई टू को मल्टीपल किया टू से इज इक्वल टू कितना, माइनस 14। तो 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो यहां कितना बन पा रहा है, ए को एन से, तो ए एन, ठीक है। फिर यहां पे कितना बन रहा है, एन को एन से किया एन स्क्वायर, ठीक है, फिर इधर माइनस में एन, माइनस में एन इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक है। ऐसा कीजिएगा, इसको समीकरण वन नहीं मानिएगा, क्या कीजिएगा, एक स्टेप और नीचे चले जाइएगा, a बराबर लिख दीजिएगा 6 माइनस 2n, इस a का वैल्यू निकालना होगा तो 2n को कहां भेजेंगे, राइट साइड। अब ये समीकरण वन लिख लीजिएगा,
ए के जगह पे क्या लिखे, 6 - 2n। अब यहां पे लिखेगा, अब समीकरण एक से, समीकरण एक से ए का मान रखने पर, समीकरण एक से जो ए का मान आया कितना आया, 6 - 2n, तो इस ए के जगह पे आप रख दीजिए कितना, 6 - 2n, ये ए के जगह पे हो गया, और इनटू में कर लेंगे n, प्लस n स्क्वायर माइनस n बराबर -14। ठीक है, उसके बाद आप चीजों को देखिए, समीकरण एक जो है a बराबर 6 - 2n था, तो अब इसको हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ऊपर वाला मिटा देते हैं कोई बात नहीं। चलिए, तो अब यहां से 6 को n से मल्टीपल कीजिए तो 6n, माइनस 2n को n से कीजिए तो -2n² प्लस n स्क्वायर माइनस n बराबर में -14। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमेशा जब एड सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो एक साथ करते हैं एन स्क्वायर वाला को, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 2n² के आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो इसका वैल्यू ज्यादा है तो माइनस में एन स्क्वायर। अब 6n में से अगर माइनस एन गया तो प्लस में कितना बचा, 5n इज इक्वल टू कितना, तो माइनस चौदह। अब यहां से वैल्यू इसको इधर लाएंगे तो माइनस में एन स्क्वायर प्लस में 5n, ठीक है, और ये जब माइनस आएगा तो प्लस में इधर 14 = 0, यही ना हो गया। अब ये द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं भाई, तो समझ में आ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, तो इसको कुछ ना कुछ तो गुना में तोड़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़ दीजिए। तो अब लिखेगा, अब इसको गुणनखंड किया तो क्या मिलेगा, माइनस एन स्क्वायर, इस 5n को तोड़ दिया कितना पे, तो इसको तोड़ दिया प्लस 7n - 2n, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5 प्लस 14 = 0, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि भी है, द्विघाती सूत्र भी है, और शायद एक वर्ग वाला करके था, कैसे वर्ग एक था ना, एक कि वर्ग करके कुछ किया जाता है, उधर स्क्वायर रूट होता है, तो वो भी एक रूल्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं, तो इसमें इसमें से क्या कॉमन है, एन कॉमन है, एन कॉमन ले लिया तो यहां बच रहा है -n + 7। अब यही चीजें दोबारा लिखते हैं, -n + 7, तो यहां कितना बचेगा, +2 = 0। तो जब यहां पे हम लोग गुणनखंड करेंगे तो एगो आ गया n + 2, ठीक है, और एगो आ गया -n + 7 = 0। तो जब गुणनखंड हो जाता है तो गुणनखंड को दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक हो गया n + 2 = 0 और एक दूसरा गुणनखंड -n + 7 = 0। इसलिए n का वैल्यू प्लस उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और जब कभी भी अगर द्विघात समीकरण में पढ़े हैं कि माइनस में आता है तो वह एक अमान्य उत्तर होता है, तो यह अमान्य उत्तर हो गया। जरा इसको देखते हैं, तो माइनस एन का तो माइनस एन रहेगा और प्लस 7 जब उधर जाएगा तो -7, और हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों तरफ माइनस माइनस रहता है तो कट जाता है, इसलिए एन का वैल्यू कितना हो गया, 7। तो हम लोगों का ये एन अभी तक के आंसर आ चुका है, लेकिन सवाल अब देख पाएंगे 8वां, तो एन का भी मान निकालना है तथा ए का भी मान निकालना है, तो चलिए अब ए का मान निकालने के लिए पुनः समीकरण एक से चलिए, तो समीकरण एक किसको माने हुए हैं हम लोग, तो पुनः मतलब दोबारा समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, तो ए बराबर 6 - 2n, यही ना है समीकरण एक, तो ए का मान निकालना है तो 6 - 2 × n का वैल्यू 7 रख दीजिए, तो 6 - 7 × 14
और इसीलिए a का वैल्यू हो जाएगा -8। यानी कि उसके जगह पर अगर हम लोग रख देंगे वैल्यू को तो किसका वैल्यू पता चल जाएगा, हम लोगों को n और a का वैल्यू पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, और चूंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसमें से इभेम पैलेस वाला 2, 4, 6, 8, 10 बता दिए हैं, मैंने 10 नहीं बताए हैं, अभी बताने वाले हैं, हड़बड़ा कर नहीं काम करना है, थोड़ा सा स्लो ही चलेंगे लेकिन समझकर चलेंगे, समझकर पढ़ेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये नहीं कि एक दिन में, एक घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर करना पड़ेगा कि खुद ही समझेंगे और खुद ही बनाएंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है कि आपको समझ नहीं आए और फिर हम सिर्फ ऊपर ऊपर पार कर दें, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग करते हैं काम। 10 नंबर क्या बोल रहे हैं, एल का वैल्यू देखो 28 दे दिया। अब अगर वैल्यू, दोस्तों एल का मतलब नहीं समझते तो आप तो बोलते कि सर वह पढ़े भी नहीं करता है कुछ। एस का वैल्यू कितना, 144, ठीक है। और किसका वैल्यू, कुल 9 पद है। देखो अब जो है ना, एक भाषा में लिख दिया कि कुल 9 गो पद है, तो 9 गो पद है का मतलब कौन सी, हमने तो सुने सुने बहुत रहा है कि पद माने एन, एन पदों की संख्या, तो कुल 9 गो पद है तो एन हो गया। अब एक के गो एकरा में मान निकालना है, ए का मान ज्ञात कीजिए, यही निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल माने कोची बाबू, तो अंतिम पद, अंतिम पद माने ए एन चाहे एल, सीखे ना कि एल या एन भी बोलते हैं। तो यहां पे लिखो, दो समीकरण बनाओ यहां पे भी, चूंकि एल बराबर 28 तो एल का फॉर्मूला कौन सी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 28। अब डी एन का वैल्यू दिया है 9, तो तू यहां से कुछ रखेगा, ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 28, यानी कि ए प्लस 9 में से 1 गया 8, ए प्लस 8 डी बराबर 28, दैट इज समीकरण नंबर 1। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एस 44, एस 44 का मतलब वही एस एन है ना, एन यहां पे छूट गया होगा या फिर लिखना भूल गया होगा, तो एस 44 का मतलब Sn का वैल्यू 144, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 144। n बाय 2 का माने n का वैल्यू 9 है, तो 9 बटा 2 2a, तो a का मान कितना नहीं पता, तो 2a का 2a छोड़ दीजिए, प्लस एल की जगह पे कितना 9, तो 9 माइनस 1, और डी का मान कितना नहीं पता, तो डी का वैल्यू डी छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 144। अच्छा हम क्या बोले बात कि 9 बटा 2 ये हो गया, अब 2a प्लस 9 में से 1 गया 8d बराबर में 144। अब हम ये भी बोले हैं कि जब कोई चीज बाहर रहता है उसको बारी बारी से अंदर गुना कर लो, तो 9 बटा 2 गुना 2a प्लस 9 बटा 2 गुना 8d बराबर में 144। 2 से 2 खत्म कहानी, 2 से 4 बार में कटेगा, तो कुल मिलाकर अभी हमें दूसरा समीकरण क्या मिल रहा है जरा देखते हैं, क्या मिल रहा है भाई। तो अभी पहला समीकरण को वैसे ही छोड़ देते हैं, यहां पे केवल क्या मिल रहा है, तो 9 को a से गुणा किया 9a, फिर क्या मिल रहा है, प्लस 9 चौका 36d, 36d बराबर में 144। अब देख पा रहे हो आप यहां से, तो क्या कॉमन है, तो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन कर लेंगे, तो a प्लस 4d बराबर कितना,
144। तो इसलिए a प्लस 4d का मान निकालने के लिए इधर क्या करेंगे, 144 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे बन जाएगा कितना, 16 बार में कट जाएगा। इसलिए दोस्तों a प्लस 4d का मान कितना आ गया, 16। दैट इज समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 1 आया था हम लोगों को पहले और ये समीकरण 2 आ गया। तो अब लिखिएगा, अब समीकरण 1 और 2 से, तो जब 1 और 2 समीकरण उसके नीचे लिखेगा तो 1 समीकरण को पहले लिखेंगे a प्लस 8d बराबर 28 और दूसरा आया a प्लस 4d बराबर 16। तो हम लोग तो सॉल्व करना सीखे हैं, इसके आगे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। यानी कि यहां से आप पहले ये तो ये कट गया, तो डी का मान निकाल लीजिए यहां से, और डी का मान निकल गया तो कोई भी समीकरण यानी कि समीकरण 1 से या 2 से चल के आप ए का मान निकाल लीजिए और वो हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चंस को बोलो तो डिस्कस किया है। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन का मतलब आपको हम 10 क्वेश्चन बताएंगे तभी तीसरा का पूरा होगा, ये आपके अंदर का गलत सोच है। आपको हम जब 5 क्वेश्चंस बता दिए और इतना गारंटी लेके बोलते हैं कि सब जिस टाइप का हम यहाँ पे सॉल्यूशन किए हैं, बाकी का जो 5 क्वेश्चन छोड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम भी होगा तो जरूर हम आपको सॉल्यूशन करके भेजेंगे, लेकिन पहले तुम दम भर ट्राई करना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कर लो, उसके बाद किसी से पूछो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अपनी जब गलती होती है ना तो उसका एहसास होता है, क्योंकि आप मेहनत किए उसके प्रति और फिर जाकर गलती हुआ तो आप जीवन में कभी नहीं भूलते हो, ठीक है। इसलिए पहले ट्राई करना जरूर, और जिस टाइप का हम बताए हुए हैं क्वेश्चन उसी टाइप पे बाकी का क्वेश्चन है। तो इसलिए आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले दिन 4 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।